कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का 15वां दिन था। इस दौरान राहुल गांधी ने कोच्ची पहुंचकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब किया। इस दौरान राहुल गांधी ने अपनी इस यात्रा के मकसद को भी बयां किया। क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने आपको सुनवाते हैं। माय गोल विद रिगार्ड्स टू दिस यात्रा इज टू पुट अक्रॉस टू द पीपल ऑफ इंडिया दैट द हेट्रेड द वायलेंस एंड द एरोगेंस दैट इज नाउ विजिबल इन आवर कंट्री इज नॉट गुड फॉर आवर कंट्री। दिस कंट्री हैज अ ट्रेडिशन ऑफ ह्यूमिलिटी of non-violence, of compassion, and that is actually the true India. The two other ideas that I am placing on the table is the level of disparity between rich and poor in India has now reached a point of no return. The poor are suffering, high prices, unemployment, and they are going through very, very painful times. And then there is a handful of people who have immense wealth. And my position is that this contrast is not good for India. That is what I am focusing on. RSS ke chief Mohan Bhagwat aaj All India Imam Organization ke chief Dr. Umair Ilyasi ke ghar pahunche. Is dauran Umair Ilyasi se baatcheet ki hamare numainde Mohit Shukla ne. हमारे साथ आज बात करने के लिए एक ऐसी शख्सियत मौजूद है डॉक्टर उमर अहमद इलियासी साहब जो अपने आप में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हमारे साथ खुद इलियासी साहब मौजूद हैं। सर आपसे जानना चाहता हूं कि संबंध है पुराना क्या कहता है याराना, आज मोहन भागवत साहब खुद खींचे चले आए, ऐसी क्या बात थी, क्या बात हुई? देखिए ये एक अच्छी बात है कि आज हमारे बीच में इमाम हाउस में परम आदरणीय मोहन भागवत जी का आना, ये हमारा पारिवारिक उद्दिष्ट हैं, उस नाते से मिलने आए हैं, हम लोग मिले हैं और मिलकर हमने आपस में जो पैगाम है मोहब्बत का उसको दिया है, यही मकसद है। अच्छा आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से इमाम साहब का कुर्ता सफ़ेद है ऐसे इनका दिल भी सफ़ेद है, एकदम साफ। इमाम साहब मैं एक छोटी सी बात पूछता हूँ आपसे। लगातार इस तरीके के सवाल उठते थे कि आरएसएस को काफ़ी दूर का संगठन माना जाता था और लगातार ये आरोप लगते थे आरएसएस के ऊपर कि वो मुस्लिमों से कहीं ना कहीं दूर रहता है, लेकिन जिस तरीके से ये मुलाकातों का दौर शुरू हुआ है और आरएसएस की नज़दीकी है वो कहीं ना कहीं एक संदेश दे रही है, इमाम साहब के शब्दों में वो संदेश क्या है? हमारे सबके धर्म ज़रूर अलग हो सकते हैं, हमारी परंपराएँ ज़रूर अलग हो सकती हैं, हमारे इबादत करने के तरीके ज़रूर अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है वो इंसान और इंसानियत का है। भारत में रहते हम सब भारतीय हैं, आओ हम सब मिलकर भारत को मजबूत करें, भारतीयता को मजबूत करें, राष्ट्र सर्वोपरि है। आखिरी सवाल मैं आपसे लूँगा कि जब साल 2019 में राम मंदिर का फैसला आने का वक्त था तो उस समय मदनी साहब के नेतृत्व में एक इसी तरीके की मीटिंग की गई थी और इसके बाद जिस तरीके से हमने देखा कि हमारी कम्युनिटी में कितना आपसी भाईचारा, प्रेम और एक सौहार्द देखा गया था, अब ऐसा ही अनुमान लगाया जा रहा है कि कश्मीर के जो सियासी हालात हैं उसको देखते हुए इसी तरीके का एक मीटिंग कश्मीर में भी आयोजित होगी, क्या उसमें ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन का सहयोग रहेगा या आप उसके हिस्सा होने वाले हैं? मुझे इस बारे में मालूम नहीं है जी, और मैं इसकी जानकारी जब आएगी तो आपको जरूर दे दूंगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि इलियासी साहब ने हर एक चीज का बखूबी जवाब दिया। कैमरा पर्सन जस्सी के साथ मोहित शुक्ला, तहजीब टीवी, दिल्ली। PFI के ठिकानों पर मुल्क भर में छापेमारी और उमेर इलियासी से मोहन भागवत की मुलाकात पर कांग्रेस के सीनियर लीडर तारिक अनवर से बात की हमारे नुमाइंदे मोहित शुक्ला ने। देश भर में NIA के छापे लगातार जारी हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए तारिक अनवर साहब हैं, आप कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं। साहब मैं आपसे पूछता हूं, देश भर में आज NIA छापेमारी कर रही है, किस तरीके से देखते हैं NIA की इस कार्रवाई को? देखिए मेरा ये मानना है कि देश के अंदर ऐसी तमाम जमातों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी इस देश के अंदर नफरत घृणा की राजनीति कर रहे हैं, एक समुदाय को दूसरे समुदाय से लड़ाने का काम कर रहे हैं, उन सबको निशाने पर लाना चाहिए। सर मैं एक चीज़ और आपसे पूछता हूँ, आज जिस तरीके से अमित शाह जी के साथ NSA चीफ की मुलाकात हुई उसमें तमाम वो बड़े सुरक्षा से संबंधित वो कई सारे अधिकारी मौजूद थे, क्या ये मान लिया जाए अब आने वाले समय में इस तरीके की और कार्रवाई देखने को मिल सकती है? देखिए अब जैसा मैंने कहा कि अगर सही मानों में देश को आप देश की सुरक्षा चाहते हैं, देश की एकता चाहते हैं, तो ऐसी तमाम जमातों को, चाहे वो किसी भी समुदाय से उनका संबंध हो, किसी भी धर्म विशेष से संबंध हो,
अगर वो देश में नफरत और घृणा की राजनीति कर रहे हैं, ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं, तो वैसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। एक मैं आखिरी सवाल और आपसे लेता हूं। आज सुबह सुबह की बात है जब आरएसएस चीफ मोहन भागवत, इंद्रेश कुमार जी, कृष्ण गोपाल जी, ये तमाम बड़े नेता जो आरएसएस से ताल्लुकात रखते हैं, आज ये सुबह सुबह ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ उमर अहमद इलियासी साहब से मुलाकात करने के लिए पहुंच गए। कैसे देखते हैं आप इस पूरी मुलाकात को, और जब ये तमाम देश में हलचल का माहौल है, उस बीच में आरएसएस की इमाम ऑर्गेनाइजेशन के साथ में एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग, तारिक अनवर साहब की नज़रों में ये मीटिंग क्या है? वो मीटिंग नहीं थी, और उनके जो बेटा हैं यासी साहब के, उनका अभी बयान आया है कि हमारे पिताजी की बरसी थी जी, और उसमें ये लोग आए थे व्यक्तिगत रूप से। उसमें कोई बातचीत नहीं हुई, कोई इस तरह का आपस में कोई कोई भी बातचीत नहीं हुई, ऐसा उनका। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि तारिक अनवर साहब ये संदेश दे रहे हैं कि इस तरीके के जितने भी संगठन हैं उसके ऊपर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। कैमरा पर्सन राहुल के साथ मोहित शुक्ला, तहजीब टीवी, दिल्ली। पंजाब हुकूमत ने 27 सितंबर को पंजाब विधानसभा का सेशन बुलाने का वक्त तय किया है। ये एक रेगुलर सेशन होगा। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने बुध के रोज विधानसभा का खास सेशन लाने की मंजूरी को वापस ले लिया था। उनका कहना था कि एतमाद का वोट हासिल करने के लिए खास सेशन बुलाने का कोई कानून नहीं है। इसके बाद से भगवत मान की कयादत वाली आम आदमी पार्टी की सरकार उनके खिलाफ मोर्चा खोल चुकी थी। 27 सितंबर के सेशन को लेकर भगवत मान ने एक वीडियो मैसेज जारी किया, क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। आज पंजाब की मंत्रिमंडल की मीटिंग में ये फैसला लिया गया कि 27 सितंबर 2022 दिन मंगलवार को पंजाब विधानसभा का सेशन बुलाया जाएगा, जिसमें स्पीकर साहब की इजाज़त से बिजली, पराली वगैरह के मुद्दे जो हैं उन पर विचार होगा। पिछले दिन ही पंजाब विधानसभा के स्पेशल सेशन को अनुमति देकर अगले दिन उस अनुमति को रद्द करने की जो घटना हुई वो निंदनीय है। उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट में जाएगी ताकि लोगों के अधिकारों की रक्षा की जा सके, राज्यों के अधिकारों की रक्षा की जा सके और फेडरल स्ट्रक्चर को बचाया जा सके। एक चीज़ बहुत हैरानीजनक देखने को मिली इस घटनाक्रम में कि कांग्रेस भी बीजेपी के साथ थी। कांग्रेस भी चाहती थी ऑपरेशन लोटस हो। कांग्रेस जो है वो पत्र दे के आई थी, अकाली दल भी उनके साथ था। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ पंजाब में कांग्रेस और बीजेपी इकट्ठे नहीं हैं, पूरे देश में कांग्रेस और बीजेपी आपस में इकट्ठे हो गए हैं। हालांकि कांग्रेस के कई राज्यों में बीजेपी ने सरकार तोड़ दी, उनके MLA जो हैं वो अपने में शामिल कर लिए, लेकिन फिर भी कांग्रेस जो है वो पंजाब में बीजेपी का साथ दे रही है। तो इससे सिद्ध होता है कि इन्होंने ये फैसला कर लिया कि क्षेत्रीय पार्टियों को ख़त्म कर दो, हम दोनों रहेंगे। शायद इनका हिसाब किताब भी आपस में साझा ही हो। तो आम आदमी पार्टी एंटी करप्शन मूवमेंट से निकली हुई पार्टी है, अरविंद केजरीवाल जी की अगुवाई में रामलीला ग्राउंड से निकली हुई पार्टी है, और इस पार्टी का काफिला हर रोज़ बढ़ रहा है, परिवार में वृद्धि हो रही है, और जो दरिया हैं उनको रोका नहीं जा सकता, दरिया अपना रास्ता खुद बनाते हैं। सो हम 27 तारीख मंगलवार को पंजाब विधानसभा का सेशन बुलाएंगे ताकि पूरे देश में ये संदेश जा सके कि लोकतंत्र में लोग बड़े होते हैं, लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि बड़े होते हैं, ना कि किसी द्वारा नियुक्त किया हुआ कोई एक खास व्यक्ति। गुजरात विधानसभा का सेशन चल रहा है, इस दौरान 12 कांग्रेस के विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया। ऐसे में कांग्रेस के विधायकों ने एहतजाज दर्ज करवाया। कांग्रेस के विधायकों ने विधानसभा के बाहर सीढ़ियों पर बैठकर सेशन शुरू किया। सस्पेंड किए गए विधायकों में कुछ विधायक पक्ष में बने और कुछ अपोजिशन में बैठे। RJD की सूबाई परिषद की बैठक में लालू प्रसाद यादव ने एक बेहद चौंकाने वाला बयान दिया। उन्होंने बीजेपी को लेकर क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। लंगाई पार्टी के सामने मैं झुक जाता तो शायद इतना जेल में नहीं रहना पड़ता और पैसा आता नहीं। बारिश के चलते पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड हो रहा है। उत्तराखंड से भी ऐसी ही एक तस्वीर सामने आई है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग के तरसाली गांव की यह तस्वीर है। लैंडस्लाइड के बाद हाईवे नंबर 109 को बंद कर दिया गया।